नमस्कार, हमारी खास पेशकश न्यूज एंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। मैं गीत दीक्षित। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा दौरे पर रवाना हो रहे हैं और जहां वे खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में ताबड़तोड़ 3 सभाएं करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे सीएम शिवराज ब्राह्मण पर पहुंचेंगे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और फोपनार में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं इसके बाद सीएम शिवराज खंडवा के कालमुखी पहुंचेंगे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद अलावा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा कालमुखी के बाद सीएम शिवराज करीब 4 बजे देवास में पहुंचेंगे, जहां वे कालमपाटा और अन्य कई जगहों पर जो है जनसभाओं को संबोधित करेंगे और नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। लगभग 12 सभाएं आज जो है 12 नुक्कड़ सभाएं जो है आज सीएम शिवराज करने वाले हैं, और साथ ही इस दौरान 12 जो नुक्कड़ है सभाएं हैं उन्हें रोड शो के दौरान भी कवर करेंगे। तो जी, आज अगर इस दौरे को देखा जाए तो आज लगातार 3 सभाएं, 12 नुक्कड़ सभाएं, ऐसे में रोड शो भी है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा सीट को जो आज 3 बड़ी आम सभाएं हैं, खासकर ये बता दूं आपको कि लोकसभा के अंतर्गत जो है 8 विधानसभा है, लेकिन जो तीनों ही विधानसभा सीट है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मुख्यमंत्री की जनसभा, स्वाभाविक तौर पर उसके बाद जो है बागली विधानसभा क्षेत्र में उनके 12 स्थानों पर, जिसको कहना है ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ सभाएं हैं, और उसी के साथ वो बाय रोड जाएंगे, तो बाय रोड को हम ये मान सकते हैं कि उनका रोड शो है। तो रोड शो के लिहाज की अगर मैं बात कर दूंगा अनन्या, तो ये अगर उनके पूरे चुनाव प्रचार अभियान को देख लिया जाए तो जनदर्शन के अंदाज में चुनावी सभाएं हैं उनकी, और ये बहुत तूफानी सभाएं हैं। कहीं ना कहीं ज्ञानेश्वर पाटिल को लेकर भाजपा जो है पूरी तरह से फोकस हो गई है खंडवा को में, और अब जो ये देखना है कि जो आज सीएम की जो लगातार नुक्कड़ सभाएं, बागली विधानसभा क्षेत्र में बता दूं आपको भाजपा बाहुल्य माना जाता है, और यहां पर पहले पंडित कैलाश जोशी जो है यहां से लगातार विधायक रहे हैं, और इस क्षेत्र में जब वो परिसीमन में आने के बाद अनुसूचित जाति का हो गया था, उसके बाद से जो है वहां से उनके पुत्र को जो है दीपक जोशी को स्थान बदलना पड़ा था, लेकिन आज भी जोशी परिवार का वहां वर्चस्व कायम है। और इसके बाद अगर नेपा नगर की बात कर ले तो वहां जो मुख्यमंत्री की बड़ी आम सभा है वो कायदे से बहुत मायने रखती है नेपा नगर में, चूंकि भाजपा ने उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करी थी। हमारे साथ फोनलाइन पर महेंद्र विश्वकर्मा जुड़ चुके तमाम जानकारी के लिए। महेंद्र जी, आपसे आना चाहेंगे यहाँ पर कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की 3 बड़ी सभाएं, साथ ही 12 जगहों पर जो है नुक्कड़ सभाएं और रोड शो भी करने जा रहे हैं आज खंडवा में, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, रोड शो जिस तरीके से गीत जी ने बताया अनन्या, वो वही है जनदर्शन की स्टाइल में, उनका जो अंदाज है वो यही है कि वो रोड शो इसलिए कर रहे हैं कि वाया रोड ही वो अपना कार्यक्रम तय कर रहे हैं। अभी चूंकि एक लोकसभा क्षेत्र का विशेष मामला है और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे बाय रोड, और वहां पर 3 विधानसभा क्षेत्र, जो बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र है उसमें उनका फोपनार में एक जनसभा है, उसके बाद कालमुखी में जनसभा है, उसके बाद सतवास जो जिला देवास का लगता है वहां 12 गांव के बीच में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जिस तरीके से उनका रोड शो तय किया गया है ये दोपहर से लेकर शाम तक का, इसमें ये बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कितनी गंभीर और कितनी संजीदगी से भाजपा उस खंडवा जो उपचुनाव है उसको ले रही है। दरअसल उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जीत हार से बहुत ज्यादा ना सरकार की साख पर फर्क पड़ने वाला है, ना ही दिल्ली की सरकार पर फर्क पड़ने वाला है, लेकिन जहां फर्क पड़ने वाला है वो है भविष्य की चुनौतियां। इसलिए यहाँ पर भाजपा इसको गंभीरता से ले रही है, और मुख्यमंत्री की सभाएं, मुख्यमंत्री वैसे भी चेहरा है और मिलनसार हैं, जनदर्शन में गए हैं, लोगों से मेल मुलाकात की, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर सिंधिया भी होके आए हैं, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर बीडी शर्मा भी लगातार दौरे करते रहे हैं, जन जन से जुड़ाव भी है, ध्वज फहराने वाली स्थिति हो या कार्यकर्ताओं से जुड़ाव, इन सब के बीच फिर मुख्यमंत्री का रोड शो, यानी नेक टू नेक कार्यक्रम, अल्टरनेट कार्यक्रम भाजपा तय कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी कोताही उस लोकसभा क्षेत्र में तो नहीं बरतना चाहती जहां से नंदू भैया सांसद रहे हैं, और जो भाजपा की एक आप कह लें कि प्रतिष्ठा की सीट उसको माना जाएगा। इसलिए भाजपा खंडवा लोकसभा क्षेत्र को लेकर बड़ी संजीदा है, और मुख्यमंत्री की ये सभाएं, 3 जनसभा आज वो कुल संबोधित करेंगे और 12 नुक्कड़ सभाएं होंगी। नुक्कड़ सभाएं और जनसभा के बीच में ये अंतर इसलिए है क्योंकि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है, उसके तहत आप ज्यादा जन सभा नहीं कर सकते और ज्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते, इसलिए नुक्कड़ सभाओं को उसमें डिवाइड कर दिया गया है।
लेकिन महन जी, आपने जिस तरह से कार्यक्रम को विस्तार से बताया है, उसमें एक मैं अगर पॉलिटिकल पुट के हिसाब से पूछूंगा, सियासी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्ञानेश्वर पाटिल, मैंने जैसा कल भी आपसे जिक्र किया था, ओबीसी का चेहरा भाजपा ने वहां उतारा है, क्योंकि नंदू भैया पहले सामान्य वर्ग से थे, ओबीसी का फेस दिया है, कांग्रेस ने सामान्य दिया है, ऐसे में भाजपा के सामने कांग्रेस के लिए क्या चुनौती और कांग्रेस के लिए भाजपा के सामने क्या चुनौती? देखिए, चुनौतियां तो, अब चुनाव है तो चुनौतियां तो होती ही हैं, चाहे वो स्थानीय हो, बाहरी हो, सामयिक हो, हर प्रकार की होती है, प्रशासनिक हो, सभी तरीके की चुनौतियां जी फेस करना पड़ता है, उपचुनाव है। लेकिन जब युद्ध होता है तो फिर चुनौतियां परे हो जाती हैं, फिर एक दूसरे का काट करने की बात आती है कि हम इनको कहां तय और मात का खेल चलता है, उपचुनाव हो या चुनाव हो। ऐसे ही यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच में चल रहा है। इन्होंने ज्ञानेश्वर पाटिल को चुना है तो उन्होंने राजनारायण सिंह पर दाव लगाया है। तो ये ओबीसी का फैक्टर भले ही हो, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अंदर खाने को जो संभाल लेगा, जो अपनी फूट संभाल लेगा, जो अपना विस्फोट संभाल लेगा, वो यहाँ पर जीतेगा। लेकिन भाजपा का पड़ला इसलिए भारी है, प्रत्याशी के लिहाज से भी कह लें, संगठन के लिहाज से भी कह लें, लेकिन कहीं कोई भूल चूक ना हो, इस दिशा में एक एक मॉनिटरिंग हो रही है, मैन टू मैन वर्किंग इसको कह ले हम भाजपा की। और इसीलिए मुख्यमंत्री का वहां पर जाना और बाकी नेताओं का जाना, सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता वहां पहुंच रहे हैं, तो प्रदेश स्तर के नेता तो कमाल संभाले ही हैं, एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। चुनौतियां वहां पर, यदि भाजपा ज्ञानेश्वर पाटिल के सामने चुनौतियां हैं कि वो एक भविष्य में कोई, पिछला उनका बैकग्राउंड देखें तो कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन अब वो चुनावी मैदान में है तो भाजपा वहाँ चुनाव चेहरा है, मुख्यमंत्री चेहरा है, बीडी शर्मा चेहरा है, वहाँ भाजपा चेहरा है। लेकिन उसी तरह यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राजनारायण सिंह, उनका थोड़ा सा वर्चस्व ठीक है, कांग्रेस एकजुट है, अरुण यादव एकजुट हो गए, लेकिन वो एकजुटता कहाँ दिखती है? वो एक दूसरे के प्रति जो अदावत है राजनारायण सिंह और अरुण यादव की, वो कहाँ जाएगी? ऐसे ही चुनौतियां दोनों ही दलों के बीच हैं, चैलेंजेस दोनों दलों के बीच हैं, लेकिन फिर उसमें पार कौन पाता है उसको समय